हाय फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ और इमली की चटनी। तो इसके लिए मैंने ली हूँ 100 ग्राम इमली। इसको मैं 2 घंटा भिगा दूंगी पानी से। दो घंटे हो गए इमली को भीग कर। अब मैं इसे बॉईल करने रखूंगी। इमली जब तक पूरी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे बॉईल करेंगे, मतलब पकाएंगे। इमली ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक मिक्सी में डाल के पीसूंगी। कढ़ाई में मैं पहले 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, उसमें 1 पिंच हींग, इमली का पल्प मैंने डाल दिया। अब इसमें 100 ग्राम इमली में 100 ग्राम गुड़, जितनी इमली होगी उतना ही गुड़ जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और 2 to 3 टेबल स्पून शक्कर।
लो आंच पे, थोड़ी देर 5 मिनट पकाएंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ऑन इमली की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसे छानूंगी और इसको मैं एक जार में भर के रखूंगी। ये आप पूरा साल भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। इसे आप पूरा साल ही स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये चटनी कैसी लगी। थैंक यू।